याद रखो लोगों, जहां मां के कदमों तले जन्नत है, मां का मुकाम, मां का मर्तबा, मां की इज्जत जहां इस्लाम ने बुलंद की है, वहीं पर याद रखो कि बाप भी अपनी औलाद के लिए सायादार दरख्त की मानिंद होता है। घर की दुनिया तो मां सिखाती है, ये बाहर की दुनिया बाप सिखाता है। उंगली पकड़ के चलना बाप सिखाता है, जूते पहनना बाप सिखाता है, बुजुर्गों का अदब करना ये बाहर की दुनिया में बाप सिखाता है। और मैं तुम्हें बताऊं कि मरना सबको है, हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन बास मौतें ऐसी होती हैं कि जो हिला करके रख देती हैं। देखो बच्चे अगर छोटे छोटे हों और बाप का साया सरों पर से उठ जाए, अब उस शख्स की बीवी जो अब बेवा हो गई उसके लिए और उन बच्चों के लिए ये दुनिया आसान नहीं है लोगों, ये दुनिया बहुत मुश्किल है। हमारी आंखें तो निगाहों की जिना की इतनी आदी हो गई कि जब तक हम गैर औरत को ना देख लें निगाहों को सुकून नहीं मिलता। मुझे बताओ तो सही, आज अगर कोई शादीशुदा औरत किसी रास्ते से गुजर रही हो, क्या निगाहें उसका पीछा छोड़ती हैं? और कोई औरत अगर बेवा हो जाए और वो नौकरी के लिए निकले, हवीस के भेड़िए, ये शैतानी निगाहें क्या उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं? किस तरीके से उसका पीछा करती है? 85 से पीछे जाओ, कराची की सड़कों पर उर्दू बोलने वाले जितने घराने हैं उनकी औरतें कराची के सड़कों पर नौकरी के लिए बसों के धक्के नहीं खा रही थी। ये 85 से लेकर 2014 अजबियत के नाम पे, लिसानियत के नाम पे, कौम परस्ती के नाम पे कितने महाजिर जवान उजड़ गए, पंजाबी, पख्तून, बलोच नौजवान मरवा दिए गए, भीड़ चढ़ गए सियासत की। क्या उनकी बहनें अब घर नहीं चलाएंगी? जिन बच्चों पे से बाप का साया उड़ गया, क्या वो बच्चे के मुंह में निवाला डालने के लिए बाहर नहीं निकलेंगी? रोजी रोजगार के तलाश में नहीं निकलेंगी? यकीनन निकलेंगी, लेकिन ये शैतानी निगाहें उनका पीछा करने लग जाती है। ए नौजवानों, मेरी ये बात याद रखना, बड़े तलख जुमले हैं। देखो आज उस औरत के साथ ये वाकिया हुआ ना उन बच्चों के साथ, कल ऐसा वाकिया हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है, हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। आज जिस तरह ये हवीस भरी निगाहें इन औरतों का पीछा कर रही हैं, कल हमारी बहन बेटियों पर भी ये निगाहें पड़ सकती है। खुदा के लिए हमने इस माशरे को बदलना है, हमने अपनी निगाहों को बदलना है। नौजवानों, तुम्हारी ये निगाहें गैर औरतों को देखने के लिए नहीं है, तुम्हारी ये निगाहें हैं तो आमना के लाल प्यारे मुस्तफा को देखने के लिए है। तुम्हारे ये हाथ गैर औरतों को छूने के लिए नहीं है, तुम्हारे ये हाथ है तो कुरान को थामने के लिए है। तुम्हारे ये कदम जिना की अड्डों की तरफ चलने के लिए नहीं है, तुम्हारे ये कदम तो मदीने की तरफ बढ़ने के लिए है, बैतुल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए है। शैतान ने किस तरीके से मुसलमान को तब्दील करके रख दिया। मुसलमान तो अपनी बहनों का महाफिज होता है, मुसलमान तो अपनी माओं की इज्जतों का महाफिज होता है, मुसलमान तो अपनी बेटियों की इज्जत का महाफिज होता है। हमने बदलना है अपने आप को, और दुआ करो कि अल्लाह हमको बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे। ये शैतानियत और ये गंदगी जो हमारे दिलो दिमाग में आ गई है, अल्लाह ताला इस शैतानियत को हमारे अंदर से निकाल दे। दूसरों की बहन को बहन समझने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों की मां को मां समझने की तौफीक अता फरमाए।